बेटे की फरमाइश पे मैं दाल मेथी बना रही हूँ। लहसुन अदरक प्याज और नमक मिर्च सब कुछ डाल के अब मैंने इसको मेथी को पका लिया और फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ पानी। ये देखें जी, पानी मैंने इसमें खुला डाल दिया क्योंकि इसको 5 से 7 मिनट इसे प्रेशर कुक करना है ढक्कन लगा के अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर मैं दाल शामिल करूंगी। मैं ये दाल मेथी बना रही हूँ। मेरा बेटा इसका पराठा बहुत शौक से खाता है। मेरे लिए मम्मा आज दाल मेथी बनाओ, दाल मेथी का मैं पराठा खाऊंगा आगे। वो लाहौर से आ रहे हैं। चोट मेरी निशान जो है वो अच्छी खासी ठीक हो गए, बस ये थोड़ा थोड़ा रह गए, ये मार जो है वो चोट के थे थोड़े थोड़े से रह गए हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का कि अच्छे से रिकवरी हो रही है, काफ़ी बेहतर हूँ, बेहतर फील कर रही हूँ। और घर के काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिए। इसको मैंने प्रेशर कुक होने के लिए रख लिया, ढक्कन मतलब लगा दिया। ये दूध मेरा बॉइल हो रहा है, दूध जब हो जाता है बॉइल तो मैं इसके थोड़ी मलाई को अच्छा गाढ़ा करने के लिए नीचे तवा रख के ताकि ये उबले ना और अच्छे से दूध कट जाए। चिकन धोया था, अब मैं इसको मसाला लगाने लगी चिकन को। मतलब छोटे छोटे जो जिंदगी के काम है वो तो पता है कि चलते ही रहते हैं। इंसान कुछ भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, हमारे काम नहीं होते, काम चलते ही रहते हैं। इस चिकन को मैं मसाला लगा दूंगी। इसके अलावा इसमें एक चम्मच जो है वो दही का भी डालूं। दाल जो मैंने भिगो के रखी थी वही मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब 7 मिनट के लिए इसे दाल डालने के बाद दोबारा से आप ढक्कन लगा के बंद कर। ये दाल मेथी चेक करें किस कदर मजे की दाल मेथी तैयार हुई है। दाल भी प्रॉपर गली हुई है और हमारी दाल मेथी भी बिल्कुल रेडी। इस टाइम पे आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं, मतलब बड़ा मज़े का क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब इसके अंदर आप दूध का 1 कप शामिल कर देंगे तो, मगर मैं दूध आज शामिल नहीं कर क्योंकि मैंने पराठे बनाने हैं, इसलिए मुझे इस तरह से ड्राई ड्राई सी चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू।